नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं फरीदाबाद ही नहीं दिल्ली एनसीआर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी पर। फिलहाल हम लोग खड़े हैं वर्ल्ड स्ट्रीट में और आज यहां प्रॉपर्टी कार्निवाल चल रहा है। आप देख सकते हैं, आपको चारों तरफ उत्सव दिखेगा, हंसते खिलखिलाते बच्चे दिखेंगे आपको, दिखेंगे मिक्की माउस, दिखेंगे आपको आपको मिनी माउस दिखेंगे और आपको यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे हुए इन्वेस्टर्स दिखेंगे वर्ल्ड स्ट्रीट में। आज आप ये देख सकते हैं, लगातार परिवारों के साथ लोग पहुंचे हैं। कैसा चल रहा है सर मेला? ठीक चल रहा है, ठीक बढ़िया चल रहा है। और आप ये देखें, यहाँ लोग आए हैं, परिवारों के साथ आए हैं। जी बात करें आपसे, मैम नमस्कार, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आज कुछ परचेज कर रहे हैं? आज परचेज किया भी हुआ है और एक प्लान बना रहे हैं। यहाँ SCO हैं अपने, अच्छा 616 नंबर और 617 नंबर थर्ड फेस में, अच्छा। और फिफ्थ फेस में भी है 41 नंबर। तो कितने में खरीदे थे ये जब आपने खरीदे थे? हमने 1.5 लाख वाली बुकिंग ली थी 12% डिस्काउंट का ली थी। हाँ जी। और अभी कितने का है ये? अब इस टाइम नहीं, रेट का नहीं पता क्या रेट है। 199 की बुकिंग का है। जिन लोगों ने यहाँ 2-2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी उनकी प्रॉपर्टियाँ 14-14 करोड़ की हो गई यहाँ? हाँ जी हुई हैं, सुना है, तभी तो हमने भी लगाया है। अभी तो हमारी पेमेंट 25% गई है तीनों में, तीन SCO हैं। अच्छा, और अभी ये जो अभी किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? अभी ये शॉप में सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं जी, अभी फाइनल नहीं किया। फाइनल नहीं किया, आपसे भी बात करें जी। मम्मी है, वो मेरे मम्मी ही हैं और परिवार, पूरे परिवार के साथ पहुँचे हैं आज यहाँ जी। सर बात कर लूँ एक मिनट के लिए? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। कुछ दम है वर्ल्ड स्ट्रीट की प्रॉपर्टी में? हाँ वर्ल्ड स्ट्रीट में तो बहुत दम है। अच्छा, अच्छी मार्केट है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। मैं देख रहा था लंडन स्ट्रीट है, पेरिस स्ट्रीट है, बार्सिलोना स्ट्रीट है और भी बहुत सारी स्ट्रीट्स यहाँ बनाने का। काफ़ी अच्छी मार्केट है, तो घूमने के लिए भी अच्छा है, शॉपिंग के लिए भी अच्छा है। तो अभी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? अभी प्लान करते हैं। प्लान कर रहे हैं जी, क्या खास ऑफर दे रहे हैं भारद्वाज जी? जो आज हम ऑफर देने जा रहे हैं ना, वो सबसे बेस्ट ऑफर्स दे रहे हैं अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। और इन्वेस्टर्स ने जो पैसा यहाँ कमाया है ना वर्ल्ड स्ट्रीट में, वो किसी और प्रोजेक्ट में ना कमाया, ना कोई कमा पाएगा। NCR का सबसे महंगा पता है आज की डेट में वर्ल्ड स्ट्रीट, जो 2-2 करोड़ रुपए में लोगों ने SCO खरीदे थे वो 14-14 करोड़ के हो गए। राइट जी, तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ इन्वेस्टर्स पहुँचे हैं, बात करेंगे उनसे भी जी। ये देख सकते हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे प्रेम डागर जी हैं जी, ये सेल्स हेड है यहाँ पे डबल वर्ल्ड स्ट्रीट पे। हेलो सर, आपको आप देख रहे हैं सर, अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। हमने प्रॉपर्टी फेस्टिवल लगाया है, इसका मेन पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉपर्टी परचेज करनी है लेकिन उनको ये नहीं पता कहाँ से परचेज करनी है, कौन सी करनी है। उनको सही गाइडेंस मिले, उनको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिले और एक छत के नीचे, और वो फैमिली के साथ आए, हंसी खुशी में आए, घूमें फिरें। आज के में लोगों पास टाइम कम है तो इस बहाने उनकी एक वीकेंड आउटिंग भी हो जाती है और इस बहाने से उनको प्रॉपर्टी भी परचेज करने को मिल जाता है, सारी नॉलेज मिलती है। वर्ल्ड स्ट्रीट क्यों? देखो मेरा सवाल है डागर साहब, वर्ल्ड स्ट्रीट नहीं तो और कौन पे? मैं तो ये बात कहूँगा यही, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना घूमने के लिए, ना आपको शॉपिंग करने के लिए, ना कहीं अगर हमें रेस्टोरेंट में कोई डाइनिंग करनी है उसके लिए, कोई ऑप्शन ही दूसरा नहीं है। ये कह रहे हैं कि अभी जितना वर्ल्ड स्ट्रीट बना हुआ है ये उस टोटल प्रोजेक्ट का केवल 10% है। हाँ, ये सिर्फ 10-15% है ऑलमोस्ट। और इसी ने दिल्ली NCR में आग लगा रखी है, तो फिर जो बाकी का 90% बन जाएगा तो फिर क्या होगा? हम NCR से बाहर जाने वाले हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इसको एस्टेब्लिश करेंगे वर्ल्ड स्ट्रीट को। अपने आप में ऐसी जगह होगी कि जो भी टूरिस्ट फॉरेन से आ रहा है आगरा जयपुर घूमने के लिए, उसकी आइटनरी में, उसकी बकेट लिस्ट में एक वर्ल्ड स्ट्रीट होगा कि उसको वर्ल्ड स्ट्रीट देख के जाना। जैसे आप बाहर जाते हो कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो, पर्टिकुलर मार्केट्स होती है, उस तरह से वर्ल्ड स्ट्रीट हम उस लेवल पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्या क्या ला रहे हैं यहाँ इसके अलावा? ये जो आदमी कहता है मॉल से कुछ अलग है वर्ल्ड स्ट्रीट, कैसे है मॉल से अलग? वर्ल्ड स्ट्रीट हमारा मिक्स लैंड यूज कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली ये सिर्फ कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल है, ऑफिसेज हैं, हाई स्ट्रीट मार्केट्स है, रिटेल है, मल्टीप्लेक्सेज है, रेजिडेंशियल्स हैं, इसके अलावा बैंकेट हॉल्स हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे जो रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो, सारे रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या वर्क लिव डाइन एंड एंटरटेन एट द वन प्लेस, सब कुछ एक ही जगह पर ले आए, एक छोटी सी दुनिया है पूरी। दुनिया छोटी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पर मिलेंगी वर्ल्ड स्ट्रीट में, सब कुछ मिलेगा।
और डागर साहब कुछ और भी होटल्स वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ? हाँ, होटल्स की प्लानिंग है, 5-स्टार 4-स्टार होटल्स की प्लानिंग भी है इसके अंदर। मैंने आपको बताया कोई भी प्रोडक्ट है, आओ एक बार वर्ल्ड स्ट्रीट में आ गए तो आपको, अगर आप चाहें जिंदगी यहीं पे गुजारना चाहें तो यहीं पे आपकी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, यहीं पे काम कर सकते हैं, यहीं पे रह सकते हैं, यहीं बच्चों को घुमा सकते हैं, खाना, इंटरटेनमेंट, क्लब, होटल्स, रिटेल, लग्जीरियस ब्रांड्स की सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी जो हम इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो है सबसे लग्जूरियस मॉल है पूरे फरीदाबाद एरिया का। आज फरीदाबाद में कमी है हमारे बहुत बड़ी कि हम एक लिमिट से ऊपर के हमें प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं तो उन लोगों को दिल्ली NCR में या गुड़गांव नोएडा जाना पड़ता है, खासतौर से 14-15-16 सेक्टर में सभी लोग आई थिंक मेरे हिसाब से मिलियनरीज बिलियनरीज है और उन लोगों के लिए कोई ऑप्शन हमने क्रिएट नहीं किया। लोग दुबई तक जाते हैं शॉपिंग करने के लिए? बिल्कुल, दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, सिर्फ उनका पर्पज़ होता है शॉपिंग। वो ब्रांड्स हम यहाँ लेके आने वाले हैं, तभी मैंने आपको बताया हम इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े वादे हैं, वादे ही नहीं हैं, पूरे भी हुए हैं। ये जो 10% जितना बना है वर्ल्ड स्ट्रीट वो दिल्ली NCR में आज की डेट में सबसे बड़ा पता है और सबसे महंगा पता है आप अगर बात करें तो, और उसी में इन्वेस्टर्स के लिए आज इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी कार्निवाल यहाँ आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग परिवारों के साथ पहुँचे हैं, बच्चे हैं, बच्चे एंटरटेनमेंट देख सकते हैं आप, तरह तरह से उनको मनोरंजन करने की यहाँ कोशिश हो रही है। उसके अलावा खान पान है, उसके अलावा जी आपसे भी बात करेंगे। जी जी कपूर साहब कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, क्या करवा रहे हैं आज? बस सर महोत्सव की तैयारियां थी, आज आप देख रहे हैं पंडाल बिल्कुल माहौल बना सा हुआ है, खचाखच भरा है, खूब लोग आए हैं खरीदारी। ओमेक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, आपको ये बताना चाहूंगा कि ओमेक्स जो बोलता है वो 100% होता है। ओमेक्स ने बोला वर्ड सीट हो गया दोस्तों, अब ओमेक्स कहने जा रहा है 10% ही हुआ है, 10% ही हुआ है, मात्र 10% ही हुआ है, उसी ने आग लगा रखी है। अभी सर 90% होना बाकी है और अब ओमेक्स बोल रहा है ओमेक्स वर्ल्ड मॉल, वो भी आपके अपने शहर फरीदाबाद में, जो कि होगा ही होगा दोस्तों। और बेटर होम्स की तरफ से मैं हितेश कपूर आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें आज ही इन्वेस्ट कर लीजिए तो इससे आपको प्रॉफिट 100% होगा ही होगा दोस्तों। जी आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपने कवरेज को लाइव टेलीकास्ट किया, हमारा कोशिश कर रहे हैं, हम तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा प्रॉपर्टी मेला यहाँ चल रहा है और ये पंजाब से भंगड़े वाली टीम भी आई हुई है, ये हुआ है इनका नहीं हुआ है अभी भंगड़ा? बस होना बाकी है सर, अभी स्टार्ट करवाई नहीं और स्टार्ट होना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरा उत्सव वर्ल्ड स्ट्रीट में फिलहाल चल रहा है और भंगड़ा पाएंगे ये पूरी टीम पंजाब तो है जी, उनसे भी मिलवाते हैं आपको। अभी ये जो टीम यहाँ आई है इस टीम से भी मिलवाते हैं, पंजाब से आई है टीम और इन्होंने आज भंगड़ा पाना है। जी भंगड़ा करेंगे सर? जी भंगड़ा कर भी दिया और अभी करेंगे भी, और करेंगे भी अभी। हाँ। और आप देख सकते हैं गिद्दा भी भंगड़ा भी सब कुछ होगा मंच पर होगा, स्टेज पर होगा और आपको वो भी लाइव दिखाएंगे हम। पूरा मेला यहाँ है, वर्ल्ड स्ट्रीट के बारे में हमने आपको बताया, अभी आप सुन रहे थे प्रेम डागर जी से भी सुन रहे थे, और भी बेटर होम्स के माध्यम से यहाँ लगातार कोशिश है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एक अच्छी प्रॉपर्टी मिले, अच्छी डील मिले। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।